नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस हॉर्स रेसिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। नेशनल और इंटरनेशनल बोथ हॉर्स रेसिंग टिप्स। उम्मीद करता हूँ सभी अपने अपने स्थान पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज बेंगलोर रेस कंप्लीट हो गई थी, मतलब कि आज अच्छी स्टडी भी की थी और सभी को अच्छी टिप्स भी यूट्यूब पर भी दी थी और आज हमने सोचा था कि बहुत अच्छा कवर करेंगे। बट ओकेजनली बेंगलोर की रेसेस कैंसिल हो गई, आप सभी को मालूम है। मैंने वीडियो भी डाल दी थी क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आते रहता है, मुझे फ़ोन आते रहता है कि सर आज रेसेस कैंसिल है या होगी। और उम्मीद करता हूँ सभी अपने अपने स्थान पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस को पूरे 365 और 60 करीब करीब 400 अबव डेज हो चुके हैं। दोस्तों, इसी के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। पेड टिप्स देते हुए आज हमें 400 दिन से ऊपर हो गए हैं दोस्तों, और हमारे साथ बहुत बड़ा कारवा जुड़ा हुआ है और सभी लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं और रेसिंग का एंजॉय ले रहे हैं। दोस्तों, उन सभी के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप लोगों की दुआएँ, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का बिलीव की वजह से आज ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस हॉर्स रेसिंग टिप्स देने में कामयाब हो पाया है दोस्तों, और अच्छी से अच्छी टिप्स आज तक सभी को प्रोवाइड की है। और इन 400 दिनों के बीच में कुछ दिन छोड़ करके बाकी दिन हमने बहुत बेहतरीन टिप्स दी है, अच्छे अच्छे भाव के भी दिए हैं और विनिंग हॉर्स भी दिए हैं, प्लेस भी दिए हैं, फ्लूक भी दिए हैं, बड़े फ्लूक भी दिए हैं। और पेड टिप्स में सभी का स्वागत है। सभी लोग बार बार मैसेज करते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नए नए पहली बार यूट्यूब देखते हैं, कुछ लोग सुन के देखते हैं, कुछ लोग बोल के देखते हैं, कुछ लोग एक दूसरे के बातों से यूट्यूब में जा कर के देखते हैं। तो एक बार और बता देता हूँ, पेड टिप्स के लिए अगर आपको चुनना है चैनल तो ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस बिल्कुल जेन्युइन चैनल है और आज 400 दिन से ऊपर हो गया है। सेम नंबर, सेम सब कुछ, और हर रेस की टिप्स हम प्रोवाइड कराते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। एक दिन के चार्जेस 300 रुपीज़ है सिंगल डे, और मंथली चार्जेस 3000 रुपीज़ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब रेनी सीजन भी है और इंटरनेशनल भी हमारा चल रहा है, और आज हम इंटरनेशनल भी दे रहे हैं और इंटरनेशनल को भी देते हुए आज 6 मंथ से ऊपर हो गया, फोकस हमारा इंटरनेशनल पे। अब एक खुशखबरी आप लोगों को और दे दूँ कि इंटरनेशनल भी जैसे हम नेशनल देते हैं वैसे ही फुल चार्ट के साथ और सिंगल चॉइस, वैसे ही चार्ट बन के इंटरनेशनल की भी टिप्स दी जा रही है। तो आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल टिप्स के लिए भी। मेरा मोबाइल नंबर आप सब नोट कर सकते हैं, वैसे सभी के पास है और मेरे स्क्रीन पे हमेशा रहता है, हर वीडियो के ऊपर रहता है, 6309492635। बिल्कुल ही नॉमिनल चार्जेस एज ए फ्री टिप्स के हिसाब से आपको अच्छी और जेन्युइन टिप्स हम प्रोवाइड कराते हैं। ओके दोस्तों, अब बेंगलोर की कल जो रेसेस है बहुत अच्छी रेसेस है और कल का रेस कार्ड भी बहुत टफ है, मुझे तो टफ लग रहा है। वैसे आज का बिल्कुल टफ तो नहीं था, ठीक ठाक था, लेकिन कल का बहुत टफ है क्योंकि कल बड़ी रेस भी है, महाराजा कप भी है, महाराजा गोल्ड कप भी है कल। तो टिप्स में आने से पहले कुछ बातें आप लोगों से मैं करना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे सर, कल तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था आपको कि रेस नंबर 1 में हॉर्स नंबर 3 विनिंग होगा, बट आज ऐसी सिचुएशन बन रही है मैं बेंगलोर में भी। रेस नंबर 1 फिफ्थ क्लास की रेस है, 0-25 और 1200 मीटर की रेस है। अब देखिए, हॉर्स रेसिंग में अक्सर ये होता है कि 3-4 तरह से लोग कैलकुलेशन करते हैं। कोई कहता है कि हैंडीकैपिंग बेस्ट करनी है, कोई कहता है कि कोई जॉकी के हिसाब से करता है, कोई ट्रेनर के हिसाब से करता है, कोई ट्रैक के हिसाब से करता है, कोई मतलब कि सब मिक्सिंग करके करता है, कोई 4-5 घोड़े निकालता है और कोई एक्सपीरियंस से देता है। और हम तो 100% बता रहे हैं कि हम हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे टिप्स निकालते हैं। हैंडीकैपिंग वगैरह सब करके देख ली हमने, सारा प्रैक्टिकल करके देख लिया, बट एंड में आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है रेसिंग में और कुछ काम नहीं आता, ये बिल्कुल कड़वा सच है। नहीं तो आज इतने सालों से रेसिंग चल रही है, लोगों को मैंने प्रैक्टिकली देखा है पूरी पूरी रात बुक को लेकर के, उस बुक के हर पेज में आपको पेन के निशान दिखेंगे और कभी
किधर कट, कभी किधर कट, कभी किधर कट, पता नहीं कितना कोशिश करने के बाद लास्ट में भी उनको वो घोड़ा नहीं मिलता है जो विन होने वाला है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। अब पहली रेस क्लास फिफ्थ की रेस है 1200 मीटर की, ठीक है दोस्तों। हॉर्स नंबर 1, सभी ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख लेंगे, आई थिंक ये तो नहीं आएगा। हॉर्स नंबर 2 ऊपर ऊपर से देख लेंगे, चलो ये थोड़ा सा आ सकता है, चांसेस है क्योंकि 1200 मीटर के हैं। अब यहाँ पर हॉर्स नंबर 3 मैं बोल रहा हूँ, बेला दीपक, ये भी आज की तरह ही, जैसे आज हॉर्स नंबर 3 था इलेक्ट्रिक ब्लू, वैसे ही कल बेली दीपक, इसके मुकाबले कोई घोड़ा नहीं दिख रहा, बट बोल वाले ने इसको नहीं दिया। बोल वाले ने दिया डाउन राइजिंग और सेकंड चॉइस दिया जय विक्रम, बट ट्रैक के हिसाब से बोल वाला दे रहा है बेली दीपक फर्स्ट, बट हैंडीकैपिंग के हिसाब से, जैसे कई लोग कहते हैं कि हैंडीकैपिंग, और मेरी एक वीडियो है आप देखना, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। एक्चुअल में हर वीडियो में मैं ऊपर आई बटन पे आपको सजेस्टेड वीडियो दे दूंगा। एक तो मेरी वीडियो है कि रेसिंग एक्सप्लेंड, जो हैंडीकैपिंग के ऊपर बनी हुई है, जो लोगों के ऊपर बहुत बड़ी हवा है ना कि हैंडीकैपिंग क्या होती है, हैंडीकैपिंग उस वीडियो को जाके देखना, आपको 100% मालूम हो जाएगी। बिल्कुल शुद्ध भाषा में मैंने समझाया है हैंडीकैपिंग क्या होगी। मेरे हिसाब से हैंडीकैपिंग कुछ भी नहीं होती है। और इसके बाद भी मैं एक आई बटन दे दूंगा बीच में, जिसमें आप पढ़ लेना हाउ टू रीड हॉर्स रेस कार्ड, रेस कार्ड कैसे पढ़ते हैं, उसके घोड़े के माँ बाप के नाम से लेके घोड़े के सारी चीज़ें मैंने जितनी भी यहाँ लिखी हुई है ना, वो सारी चीज़ें उसमें वेल एक्सप्लेन की है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे 3 नंबर पसंद है, बट बोल वाले ने दिया है 2 और 8। अब आप देखिए 2 को बोल वाला क्यों दे रहा है, उसका रीज़न है, ओनली टाइमिंग बेस पे दे रहा है, क्योंकि फिफ्थ क्लास की जैसे 61, 22, 60 और मेरे ख्याल से वेट बिल्कुल सेम में जा रहा है, बस 1400 मीटर जा रहा है और 1:30:93 है, जबकि इससे कम टाइमिंग और सेम वेट पे बेली दीपा है, बट इसको नहीं दे रहा है, उसको ट्रैक में दिखा रहा है, शायद ये आना चाहिए। बट ये इमोर्टल गेस्ट जो है, ये 58 है, ये भी फिफ्थ क्लास की है, ठीक है, ये भी सेम वेट में जा रहा है, बट ये 1200 मीटर में 1:16:63 है और यहाँ 1:18:11 है। उसके बाद ये दे रहा है बोल वाला जय विक्रम। अब जय विक्रम पे भी हम आ जाते हैं, फिफ्थ क्लास की 11 लेंथ से घोड़ा 6 हो रहा है और यहाँ 1:30:27 है, ये सबसे कम है 1:30:27। अगर 1400 बी नायक बोले तो बिल्कुल ही, मतलब कि बी नायक जॉकी सभी जानते हैं, वैसे जॉकी तो सभी मेरी नज़रों में अच्छे होते, बट बी नायक बहुत, मतलब कि रेसेस बहुत कम चांसेस होते हैं जीतने के, तो यहाँ विवेक जी को बैठाया है, ठीक है। विवेक 2 किलो अलाउंस पे चल ही रहा है, सभी को मालूम है। तो यहाँ 1:30:27, 1:30:38 है, तो यहाँ जय विक्रम और 3 नंबर में मेरे को चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये फ्री टिप्स है आप लोगों के लिए, ये मैं जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि बोल वाले ने भी ऐसा सजेस्ट किया है। बट 1200 मीटर अगर आप देखते हैं तो ये 1:16:05 में जा रहा है 2 नंबर जो बोल वाला दे रहा है, और वेट था 55, मतलब कि 2 नंबर की बात करेंगे, 1:19:81 में जा रहा है, जबकि हमारा 3 नंबर तो करेक्ट है, वो 3 ईयर्स में भागा, फिर उसके बाद अभी डिमोशन में आ रहा है, सपोज जीत नहीं पाया तो अभी डिमोशन में आ रहा है। अब यहाँ ये 1:19:81 जा रहा है, अब इसको किस वजह से दिया बोल वाले ने, दारुस बेराम जी ट्रेनर है, 4 साल का घोड़ा है, या फिर पेडिग्री के हिसाब से दिया है, क्योंकि हर बार आपको एक अलग तरीके से टिप्स मिला करेगी, चाहे वो बोल हों दो, चाहे वो चोल हों दो, चाहे वो हिंदू हों दो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हों दो, चाहे वो टेली, मतलब कि जितनी भी रेसिंग की आप टिप्स देखोगे, सबका तरीका जो है रोज़ डिफरेंट हो जाता है, बोल का भी रोज़ डिफरेंट हो जाता है, कभी तो वेल हैंडीकैपिंग से निकाल देता है, कभी आगे पीछे करके निकालता है, लेकिन अपना जो मेन हुनर है वो कोई किसी को नहीं बताता है, इसीलिए तो कहते हैं रेसिंग टिप्स, रेस में टिप्स निकालना बहुत मुश्किल है। वैसे ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस, आज 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस से जो टिप्स निकाल रहा है, ऊपर वाले की दुआ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है और आप लोगों की दुआएं हैं, और बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में बिल्कुल सही तरीके से निकाल रहे हैं।
अब आने वाले दिनों में हमारी मतलब कि बहुत कोशिश है कि इंटरनेशनल और नेशनल उन सभी भाइयों तक पहुंचाया जाए जो कि रेसिंग खेलते हैं और रेसिंग में कुछ ना कुछ भविष्य बनाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम रेसिंग के तरफ बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत सारे लोगों का मैसेज, बहुत सारे लोगों का कॉल्स आता है, हम सभी को बहुत अच्छी तरीके से रिप्लाई देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम गाइड भी करते हैं जो नीडी पर्सन है या नहीं है। बट एक बात ज़रूर नोट करिए कि दिस इज़ पेड टिप्स चैनल, मतलब कि जो भी फ़ोन करता है या मैसेज करता है तो पेड टिप्स के लिए करिए, क्योंकि हम ओनली रेसिंग रिलेटेड करिए, बाकी नहीं। तो फर्स्ट टेस्ट में ऐसा हो गया। अब आ जाते हैं, आपको क्या लगता है फर्स्ट टेस्ट में जय विक्रांत, लेकिन हमें तो 3 नंबर ही बेली दीपा ही पसंद है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आते हैं बड़ी रेस में। ठीक है, मैं ये सारी बातें आपको किस लिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक कई सारे भाइयों का मेरे पास मैसेज भी आता है कि सर आप टिप्स कितनी देते हो, कैसे देते हो। मैं कितनी बार हर वीडियो में बोल चुका हूँ कि सारी रेस की टिप्स देते हैं, आज 400 दिन से ऊपर हो गया है, बिल्कुल सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी लोग खुश हैं, तो उसमें पूछने का दोबारा दोबारा सवाल नहीं होता। अब तो इंटरनेशनल पे हम पूरी तरह से फोकस में है और मैं कभी भी किसी की कॉपी नहीं करता, न कभी भी किसी की टिप्स को फॉलो करता हूँ दोस्तों, और देखता ज़रूर हूँ। और बिल्कुल आप लोगों को भी बताता हूँ कि जितने भी भाई हमारे यूट्यूब में टिप्स डाल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं या जितने भी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, वो सभी मेरी नज़र में अच्छे हैं और सभी अपने अपने हिसाब पे अपना अपना कोशिश करते हैं दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है। और मैं तो हमेशा ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस की बेस्ट विशेस सबके साथ रहती है, क्योंकि हम देखिए कभी भी लाइफ में हम तो आज भी वैसी हैं जैसे आज से 2 साल पहले थे, और अभी भी वैसी हैं क्योंकि सेम हमारा तरीका वही है, टिप्स देने का भी वही है, सब कुछ वही है, गुड बैड भी देते हैं, सब देते हैं। पर जितने भी लोग हैं जस्ट प्रसन्न है, क्योंकि हम रिलेशन पे विश्वास करते हैं न कि उस पर, क्योंकि जो हमें मालूम है वो हम स्पष्ट कह देंगे हमें मालूम है, और जो हमें नहीं मालूम है वो हम स्पष्ट कह देंगे कि ये हमें नहीं मालूम है भाई, उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। और रेसिंग से रिलेटेड इतनी बातें हम इसलिए कहते हैं कि रेसिंग से रिलेटेड हमें मालूम है, इसीलिए हम कहते हैं कि यस आई नो रेसिंग। तुक्का नहीं फेंकते हम रेसिंग में, अगर कोई बोले कि आप कैसे बोल सकते हो ये आएगा, तो हम उसको बता सकते हैं कि कैसे बोल सकते हैं ये आएगा, जस्ट लॉजिक के हिसाब से भी बता सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फोर्थ रेस में, यही सबसे बड़ी रेस है। अब यहाँ सब महाराजा है, कप का नाम भी महाराजा गोल्ड कप है, तो यहाँ महाराजा सभी हैं। अभी देखो थियोन भी महाराजा है, जुकेरेली भी महाराजा है, फॉरेस्ट फ्लेम भी महाराजा है, और स्टार बोन भी महाराजा है। जुकरेली को किसी ने नहीं मारा है, लेकिन स्टार बोन ने एक बार मारा है, और फॉरेस्ट फ्लेम के साथ ये बंच में बहुत कम चांसेस ऐसा हुआ है। फॉरेस्ट फ्लेम अभी तक इसको चांस नहीं मिला है, आई थिंक ये बोर्ड पे होना चाहिए, वैसे मैंने अभी तक नहीं देखा है कि बोल वाला क्या दिया है क्या नहीं दिया, फॉरेस्ट फ्लेम ही दिया है, क्योंकि इस बंच में फॉरेस्ट फ्लेम ही बचा है जो कि या तो इसको झुकरेली मारेगा या स्टार ऑफ बॉन मारेगा, लेकिन सभी लोग सोच रहे होंगे फॉरेस्ट फ्लेम जीतेगा। बट फॉरेस्ट फ्लेम नो डाउट बहुत अच्छा घोड़ा है, और पद्मावन अभी मतलब कि ये संदेश अभी अच्छा चल रहा है, अटलोइया है, बट इसमें हम तो कैसे भी झुकरेली पे जाएंगे, और रही बात क्योंकि झुकरेली नो डाउट वेरी गुड हॉर्स, और फॉरेस्ट फ्लेम जो है ये सूरज दो रेस के लिए आया है, एक तो स्टार इज बॉल और एक रेस के लिए आया है, तो आप इसे देख लेना। बट मैं तो कहूँगा कि ये रेस बड़ी खतरनाक है, और इससे मेरे ख्याल से तो, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि इसमें हम पेड टिप्स में देंगे, अभी रात भर स्टडी चलेगी कि कौन जीतेगा, और ये ज़रूर है कि इस रेस में हम ऐसा कुछ देंगे कि वही जीतेगा, ये हमें ऊपर वाले का पूरा भरोसा है, ज़रूर देंगे क्योंकि इसमें सारे तुरुम खाएँ
सराफ के दो घोड़े हैं, और उसके बाद ये एक घोड़ा थोड़ा सा डाउटफुल है। ये हो सकता है कि बड़ी रेसेस जब भी होती है सूरज बैठता है तो नो डाउट जॉकी जब बच्चा बैठ जाता है तो या तो डुबाता है या तो जिताता है। सूरज के भाव नो डाउट 5-6 से ऊपर के रहेंगे, 6 या 7 से ऊपर के रहेंगे। बट आज रात भर स्टडी करने के बाद हम निकालेंगे कौन सा घोड़ा आएगा इसमें। बट यही दो घोड़े में रहेगा, या तो फॉरेस्ट फ्लेम या जुकरेली। ओके, बाकी पेड टिप्स के लिए आप सभी का स्वागत है। ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस में बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस है। आज वो पेड टिप्स नहीं कहलाएगी, वो जस्ट फ्री टिप्स है, हमारे सजेशंस रहेंगे, हमारे गुड सिलेक्शंस रहते हैं, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। बाकी मैं तो चाहता हूँ सब लोग मस्त रहें, खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को, और फोकस करें इंटरनेशनल में। आजकल तो क्या है कि इंटरनेट का ज़माना अभी ऐसा तेज है कि सुबह से रात तक आप रेसिंग का आनंद ले सकते हैं, इंटरनेशनल भी, और घर बैठ के भी रेसिंग का आनंद ले सकते हैं। आराम से चाय कॉफ़ी पीते पीते भी आप ऑनलाइन रेसिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारा किसी से कोई कंपेरिजन नहीं, कुछ भी नहीं, वी आर ओनली फॉर यू, फॉर योर। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।